इसने भी लूट किया, हमने भी लूट किया, हमने डाले 25,500 का, इसने डाले 26,000 गर्मी की वजह से। ये देखो जी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं लोग आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त मौजूद है जेलम में, जेलम से आटा लूट किया है गाँव का। तो ये आखिरी ट्रिप है, फिर ईद की छुट्टी है, तो गाड़ी हमारा लोड है 28 टन वजन है, कि मरगरे का माल है। तो हमारा गाड़ी अभी लोड है, दूसरा गाड़ी है वो अभी लोड होके इंशाल्लाह इकट्ठ के निकलेंगे। तो ये जी सलीम उस्ताद है, ये इसका गाड़ी है, हमने माल लोड किया है, एक एक गोदाम का माल है हमारा, जाएंगे इकट्ठ के। हमारा गाड़ी लोड हो गया है, ये भी लोड हो रहा है आटा, तकरीबन आधा लोड हो गया है, छोटा मोरी से डाले दूसरे साइड से डालेंगे। तो ये हुसैन फार्मेंट पर जेलम में भी हमारा लोड कर, ये लोडिंग शुरू है भाई। नीम शीशा मिशन साफ कर रहे, दूसरा गाड़ भी तकरीबन लोड होने वाला है, ये कंटा है, इसको वजन वजन करवा के फिर बढ़ते हैं अपने सफर की तरफ। चढ़ा है ये हमारा माल है, ये 28 टन वजन है, अभी घंटा करवा देते हैं। हेलो जी, ये हमारा वजन है टोटल। बस ठीक है मैदानी, घंटा हो रहा है भाई, वजन करवा रहे, ये नाइस बंद है, एक नंबर बंद है। वजन हमारा ये टोटल वजन आ रहा है 28 टन वजन है, तकरीबन 13,400 kg, 13 टन 400 kg हमारा खाली गाड़ी का वजन है। गरम गरम भी आ गई है, ये फिल्टी है और ये कागज़ है, और ये सरकारी एक कागज़ है, और ये दूसरा गेट पास है, ये अभी देने गेट पे। दूसरा गाड़ी आगे निकल गया, बस निकल गया, वो गाड़ी आगे जा रहे, वो नंबर आ रहे ना। ये जो रास्ता जो क्या है ना, इस्लामाबाद वाला रास्ता, ये साइड सड़क जा रहे हैं ना, इस साइड वाला, ये गुजरा वाला लाहौर वाली साइड। इंशाल्लाह निकले तकरीबन कितना टाइम है, तकरीबन टाइम क्या हो गया, तकरीबन 6:30 बजे, ये बिल्कुल तकरीबन 6:30-7 बजे तो निकले मगरिब का टाइम। सुबह इंशाल्लाह कोशिश करें कि कल पहुंच जाए तकरीबन 9-10 बजे इंशाल्लाह। शाम का टाइम हो गया है, दूसरा गाड़ी भी रुक गया है। अभी भाई कह रहे हैं कि रोटी इधर ही खाना है, तो इधर की रोटी खा के फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। उधर रोटी मोटी खा लिया भाई, निकल रहे गाड़ी हमारा खड़ी, शुक्र में खाना खाया है। तो ये सुहावेक सुहावे हम खड़े इस टाइम, और अभी इधर से निकल गए जी। तो ये इकराम अभी गाड़ी चला रहा है, तो अभी मैं
भर के दे देते गर्मी की वजह से। ये देखो जी इस्लामाबाद इकराम नीचे उतर गया है तो खड़े है भाई, रोड बंद है सारा ब्लॉक के रश की वजह से। ये देखो एक लेन, ये दो लेन, चार पांच लेन लगी हुई है रोड पर, क्योंकि ईद के दिन भी है तो रश ज्यादा होते हैं। इधर हमारे वहाँ पे दो घंटे रोड बिल्कुल ब्लॉक है जी। तो ये देखो जी, ये पूरा का पूरा लेन लगा हुआ है उधर से। ये देखो, ये हमारा गाड़ी खड़ा है। ये देखो, ये साइड तो नजर नहीं आ रहे, ये भी नजर नहीं आ रहे, इस ये लेन चल रहे है, बाकी बिल्कुल रोड ब्लॉक। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, उठ गए नींद से, इकराम सो गया है, आपको गाड़ी चलाए और इस टाइम है मरदान पशाई में सामने होटल में, इधर नमाज पढ़ लिया, एक कप चाय पी है, तो फिर रश नहीं है अभी, तो कोशिश कर रहे कि टाइम से निकल जाए, फिर रश शुरू हो जाती है, क्योंकि ईद के दिन ईद के तो रश बहुत ज़्यादा होते। तो जी पहुँचने वाले तकवाई तबाई पहुँच के पहुँच गए, सलीम ने भी डाला है, तो अभी निकल रहे हैं ना के, नींद आ रही थी बहुत ज्यादा, तो अभी तो भाई हमारा एक जैसा वजन था पंपे पुल के गनी में कारिया में, और अटैच इसने भी लोड किया, हमने भी लोड किया, हमने डाले 25,500 का, इसने डाले 26,000 ओ 26,999 में एक रुपये 27,000। राजू सलीमा चकदरे से आगे लेकिन मरवा सुटर से खड़े हो गए, इधर नाश्ता करके तकरीबन 9 बज रहे, ग्राम भी उठ गया है और सलीम भी पहुंच गए, थोड़ा पीछे रह गया था, तभी इधर से नाश्ता वाश्ता करके फिर निकले। इकराम भाई नाश्ते में हमने ऑर्डर किया है पाया, पाया जानते हैं ना आपको, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये भाई रोटी गरम गरम रोटी और ये पाई। तो जी पहुँच गए हैं मरगरा जो बाईपास है, उधर हम तेल डालते हैं गाड़ी को खड़े करते, इकराम चला गया, मैं गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी उधर जिधर पंपे खड़े था हमारा, ये छोटा गाड़ी
तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।